लोकसभा चुनाव का दौर चल रहा है और श्रावस्ती लोकसभा सीट पर 25 मई को मतदान होना है। इस बीच कई जगह से मतदान बहिष्कार की खबरें भी सामने आ रही हैं। एक तरफ जहां जिला प्रशासन तमाम तरह की जोर आजमाइश करते हुए मतदान प्रतिशत को बढ़ाने की बात कर रहा है, वहीं दूसरी ओर मतदान बहिष्कार की खबरों का जिला प्रशासन के लिए कहीं ना कहीं मुसीबत का सबब बना हुआ है। कई गांव के लोगों ने सड़क, शिक्षा, बिजली, पानी, स्वास्थ्य सुविधाओं जैसी मूलभूत सुविधाओं से अजीज आकर इस लोकतंत्र के महापर्व को खुद की भागीदारी न करने का निर्णय ले लिया है। जिला प्रशासन के आला अधिकारी वहां पर पहुंच तो रहे हैं लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकाल पा रहे हैं। इसी कड़ी में रतनवा अतरपरी के गाँव वालों ने भी मतदान बहिष्कार का निर्णय लिया। इनकी भी मूल समस्याएं वही हैं जो अन्य गांव की होती हैं, जैसे बिजली, पानी, सिंचाई, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य। अपनी मूलभूत समस्याओं पर बात करते हुए श्रावस्ती लोकसभा के तुलसीपुर विधानसभा क्षेत्र के रतनवा अतरपरी में ग्रामीणों ने कहा कि बिजली नहीं तो वोट नहीं, पानी नहीं तो वोट नहीं। विकासखंड हरैया सदघरवा के रतनवा अतरपरी के बशिंदों मतदान का बहिष्कार करेंगे। जहां एक तरफ देश में सबसे बड़े चुनावी महापर्व के अवसर पर चुनाव आयोग और बुद्धिजीवियों के द्वारा भारी संख्या में बढ़ चढ़कर मतदान करने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है, तो वहीं श्रावस्ती लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विकासखंड हरैया सतघरवा के ग्राम रतनवा अतरपरी मतदान बहिष्कार करेंगे। गाँव वालों का कहना है कि हम मतदाता घोर अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। आबादी के 75 सालों बाद भी ग्रामीणों को बिजली व पानी नहीं मिल पाई है। एक हैंडपंप से ग्रामीण पानी नहीं पी रहे, जिसके कारण ग्रामीण मतदाताओं ने चुनाव बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। यहाँ के ग्रामीणों को बच्चों की पढ़ाई लिखाई से लेकर तमाम तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ के मतदाताओं ने बताया कि हम सब ने तमाम नेताओं से लेकर अधिकारियों तक बिजली व पानी लगवाने की मांग की। हम वर्षों से करते चले आ रहे हैं लेकिन हमारी बात कोई सुनने को तैयार नहीं है। एक साल से खड़े हाथी दांत की तरह जल जीवन निगम पहुँचा लेकिन आज तक पानी की सप्लाई नहीं हो पाया। ग्रामीणों ने कहा कि वही नेता चुनाव के समय झूठा आश्वासन देते हैं, सांसद विधायक वोट लेकर चले जाते हैं लेकिन यहाँ बिजली व पानी की समस्या को हल करवाने के लिए कोई पहल नहीं करता। अतरपरी नेपाल पहाड़ के जंगल के करीब गांव है, जहाँ के कई बच्चों को जंगली जानवरों ने अपना शिकार बना लिया है। गांव में ही वन विभाग का कार्यालय बना है, फिर भी वहाँ के अधिकारी शाम होते ही अपने कमरे में पैक हो जाते हैं। ग्रामीण अपने अपने कमरे में वो झोपड़ी में जंगली जानवर से बचने के लिए पैक हो जाते हैं। यहाँ बाहर निकलने से लोगों के पसीने छूटते हैं कि कहीं आसपास जानवर ना हो। अधिकारी व नेता का वादा वादा ही रह जाता है। अभी तक रतनवा अतरपरी गांव में कोई विकास नहीं हुआ, इसलिए रतनवा अतरपरी के ग्रामीणों ने मतदान के दिन चुनाव का बहिष्कार करने के लिए मजबूर हैं। वहीं ग्रामीणों ने कहा कि 25 तारीख तक कोई अधिकारी नहीं आता, तो हम सभी लोग 25 तारीख को मतदान नहीं करेंगे। आपको बता दें, वहीं ग्रामीणों ने कहा कि 5-5 साल बीत जाते हैं लेकिन कोई नेता हमारी सुध नहीं लेता। हम अभी तक नेताओं का चेहरा भी नहीं पहचानते। आप भी सुनिए इस दौरान ग्रामीणों ने क्या कुछ कहा है। गांव में लाइट है ना तो पानी की व्यवस्था है। जितने लोग भी आते हैं वोट मांग के चले जाते हैं, बता के चले जाते हैं कि हम तुम्हारे गांव में लाइट लगवा देंगे जल्दी से जल्दी, फिर उसके बाद में यहां लाइट नहीं दिखाते हैं, वो जीत जाते हैं, अपने घर बैठ जाते हैं, अपने उधर कार्रवाई करते हैं, हमारे यहाँ का कोई सुनवाई नहीं है। पानी के इस भी समय 2 बार आ चुके हैं कह करके और चले गए हैं। अभी आज 20 दिन हो गया है, कोई सुनवाई नहीं है। अब ये 25 तारीख को वोट पड़ेगा, देखो 25 तारीख भर में अगर यहाँ लाइट आएगा तो ठीक है, अगर नहीं आएगा लाइट तो हमारा लोगों का प्लान यही है, हम वोट नहीं डालने जाएंगे। ना पानी की व्यवस्था है, ना लाइट की व्यवस्था है, ना सिंचाई की व्यवस्था है, ना स्कूल मतलब पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था है। आप चल करके मेरे ग्राम सभा में क्यों, आप नाली देख लीजिए कि जो ऊपर मतलब तैरते हुए आपको जो पुछड़े कीड़े होते हैं, कचरा जमा हुआ पूरी नाली की आप व्यवस्था मतलब देख लीजिए, उस सारे आपको समस्याएं का मतलब का नाम समावेश मिल जाएगा। आजा परवाजा मर गए, मतलब क्या नाम, आज मेरी तो बात छोड़ दीजिए, मेरी 35 साल की उम्र में क्रॉस कर रहा हूँ लेकिन आजा परवाजा हमारे मर गए, बाप के बाप और बाप के बाप, आज तक लाइट का कोई मतलब क्या नहीं, यहाँ पे नहीं हुआ। तो किसी से आपने शिकायत की इसकी? मैंने इसका कहलाना शुक्ला जी से किया, श्याम मनोहर तिवारी जी से किया, जिला अध्यक्ष जो महोदय हैं इस समय, उसके बाद में ग्राम सभा अध्यक्ष मतलब ग्राम सभा के जो प्रधान हैं अजय कुमार गुप्ता जी प्रधान, उसके बाद से मतलब क्या नाम है वो ददन मिश्रा जी,
इन सभी संसद और विधायक जितने भी कार्यकर्ता हमारे यहाँ से मतलब आकर के वोट को मतलब दे करके उसके बाद में यहाँ तक जिसको जिताता गया, उन कोई भी अन्य पार्टी को मैं जिताता गया, लेकिन आज तक कोई हमारे समस्या का उल्लंघन नहीं किया, समाधान नहीं किया। ना यहाँ पानी व्यवस्था, अगर सिंचाई कोई साधन नहीं है, अगर बोए आवा जाए तब या बोए आवा जाए वतने काट लावा जाए। बगल में आपके जंगल पड़ता है? हाँ जंगल पड़ता है, काट सौ कक्षी के रे 150 कक्षी के रे बाद में यहाँ जंगल पक्षियों से घिरा हुआ है, उत्तरों से घिरा है, पूर्वों से घिरा। हाँ बनी रहती है, लीचर बछड़ू घर में। जानवर आपके यहाँ चले आते हैं जंगल से? चंदुआ चले आते हैं, बाघों चले आते हैं, लेकिन बाघ तो गाँव आपके गाँव में घटी? हाँ बहुत घट गए साहब। आपने कहीं शिकायत की इसकी? हाँ शिकायत किया गया, हल्ला गुल्ला चिरौरी मिनती गोड़े पाए रुओ झंग सब कुछ किया गया। बिजली और दद्दल? हाँ बिजली के लिए दद्दल मिश्रा और साहिब संस्कर से उनसे कहा गया।